स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और मैं हूँ आज ओरछा में। क्या बताऊँ मैं इस जगह के बारे में, कितना सुंदर है ये जगह। और अनडाउटेडली ये है मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस में से एक है इंडिया में। द रीज़न बिंग कि यहाँ पे पहली बात की पॉपुलेशन जो है इस जगह का बहुत कम है। और दूसरा क्या, एक और भी बातें हैं वैसे तो, दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो कि यहाँ पे जो आप आर्किटेक्चर देखेंगे और यहाँ पूरा जो ये गांव है बिल्कुल फैला हुआ है आर्किटेक्चर से, बहुत ही सुंदर जगह है। वैसे बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस नहीं है ये। एक और भी रीज़न है कि मुझे जो अच्छा लगता है ये जगह। और बताओ मैं तो, यहाँ पे ना बेतवा नदी बहती है इसके पीछे ही, और ये कितना शांति है वहाँ पर, चारों तरफ जाएँ सो पीसफुल, आई मीन अनबिलीवेबल प्लेस है ये मेरे लिए तो। बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप मध्य प्रदेश में घूमना चाहते हैं तो आप ये जगह मिस मत कीजिएगा। यह है ओरछा, कितना सुंदर है देखिए चारों तरफ, और बहुत सारी चिड़ियाँ यहाँ पे। और एक अच्छी बात है यहाँ पे कि आप बोलते हैं ना कि आप इंसान की आवाज़ से ज़्यादा आप यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट सुनेंगे। आप हर जगह चिड़ियाँ ही चिड़ियाँ, तोते हैं बहुत सारे यहाँ पे, और अलग अलग चिड़ियाँ भी हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी एक तोता ऊपर बैठा हुआ है, देखिए उड़ के गया अभी। इट हैज़ सो मच हिस्ट्री, दिस प्लेस हैज़ लिटरली सो मच हिस्ट्री। लुक एट दिस वॉल, ऊपर देखिए कितना सुंदर है ये। और ऐसा लगता है जैसे आप ना एकदम से 300 साल पीछे आ गए हो बिना टाइम मशीन के। बस आप ट्रेन लिया आपने दिल्ली से और आप पहुंच गए ओरछा, और ऐसा लग गया कि आप 250-300 साल पीछे आ गए हैं। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस बने हैं यूट्यूब पे इसके बारे में, पर वैसे बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते नहीं हैं क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है। मैं यहाँ पे 4 साल पहले आया था, वो भी बस किसी तरह से गलती से पहुँच गया था, एक बोलते हैं ना कोइंसिडेंस था। जब मैं बस भारत की खोज पे था, मैं हर जगह घूमता था, तो मैं ऐसे घूमते घूमते पहुँच गया था यहाँ पे। वाह वाह वाह, क्या बोलूं मैं। देखिए दीवारों पे कितना पेंटिंग बनाया गया है, देखिए ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम का कहानी हो। देखिए जैसे किसी जामबंद जो है रामायण में, उसका ऐसा मुंह लग रहा है देखने में। कितना सुंदर है ये जगह, बता नहीं सकता मैं। दिस इज सो इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। हमारे बोलते हैं कि एक हमारे इनक्रेडिबल इंडिया में एक तरह से ये एक 4 चांद लगाता है ये जगह ओरछा। ये देखिए यहाँ से, वाह कितना सुंदर हुआ करता होगा ये। जब देखिए यहाँ पे इसका जो बाउंड्री है पैलेस का, ये है बाउंड्री। कितना नैरो है यहाँ पे जो स्टेयर्स है, पता नहीं क्यों इसको बड़ा क्यों नहीं बनाया गया चौड़ा। अगर एक साथ बहुत सारे सैनिकों को ऊपर जाना होगा तो कैसे जाएंगे वो, पता नहीं। जरूर कोई रीज़न हुआ करता होगा कि ये बहुत संकीर्ण बनाया गया है, ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाया गया है। यहाँ से देखिए अब मैं पहुँच गया हूँ बिल्कुल टॉप पे इस महल के। यहाँ से ये देखिए, तो अब मैं पहुँच गया हूँ यहाँ जहांगीर महल में। तो ये बादशाह जहांगीर जब यहाँ आने वाले थे, जब वो इंडिया के एम्पायर बने भी नहीं थे, तब ये महल जो है उनके लिए बनाया गया था, क्योंकि वो यहाँ आए और यहाँ के जो राजा थे वीर सिंह, उन्होंने ये महल बनवाया था उनके स्वागत के लिए। और वो जो है यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन रुके थे। यहाँ देखिए, यहाँ आप दूर दूर भी अगर देखें तो आपको कितने तरह तरह के आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेगा यहाँ से। देखिए जैसे आपको
यहाँ एक बिल्डिंग है इस जगह पे, फिर एक दूर में भी है। इससे पता चलता है कि इस जगह पे कितने सारे बिल्डिंग्स होंगे, या फिर महल या रहने के लिए जगह जो है सुंदर दिखने वाले कितने सारे स्ट्रक्चर्स आसपास फैले हुए होंगे। जो राज्य है कितना भव्य दिखता होगा उस समय, इसके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने पिछला वाला महल देखा जो राजमहल है, तो उस महल में आप देखेंगे कि बहुत सारा पेंटिंग्स है जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाता है। अलग अलग कहानियां हैं जो पेंटिंग्स के द्वारा समझाया गया है दीवारों पे। पर ये जो बिल्डिंग है, क्योंकि ये जहांगीर महल है और ये पहला इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर का एक महल है इस एरिया में, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी आप पेंटिंग नहीं देख रहे हैं वॉल्स पर, जैसा कि है। अगर है भी तो सिर्फ नॉर्मल पेंटिंग्स हैं, देखिए कोई भी ऐसा बोलते ना रिलीजियस पेंटिंग्स नहीं है इस पर इस महल में। यहाँ से देखिए सुंदर है कितना, ये देखिए भव्य है, जबरदस्त जगह है यार। ये देखिए ये जो है, जैसा मैंने पहले बताया, इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर है ये एक। और यहाँ से देखिए वाह कितना भव्य है ये। ये बाहर का दीवार है यहाँ जहांगीर पैलेस का। और ये है यहाँ का छतरी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिनाटॉप्स। ये कितने सारे हैं यहाँ पे, वाह